स्टूडेंट्स, वी वर लर्निंग बाइनरी सर्च. ओ बाइनरी सर्च, यू नो व्हाट इज बाइनरी सर्च? आई एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस क्लास दैट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर सर्च, एंड दिस इज बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मीन्स राइटिंग एनी प्रोग्राम इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. So this is the algorithm, students. You know what is binary search? Given a list of n elements with values or records, that is L0, L1 to L-1, sorted in ascending order, and given key target value K, binary search is used to find the index of K in L. Means, एक list है और वो sorted है in ascending order. हमें उसमें बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है. अब एक बार फिर बता दे रही हूँ आपको बाइनरी सर्च क्या होता है. बाइनरी सर्च में हम एलिमेंट को सर्च करते हैं एक लिस्ट में, पर तरीका डिफरेंट होता है. तरीका ये होता है कि हम पहले उस लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हम उसका मिड पार्ट निकालते हैं, एक बिगनिंग होता है और एक एंड होता है. बिगनिंग इज द जीरो एंड एंड इज द N-1, एंड वी फाइंड द मिडल वैल्यू, मिडल पोजिशन. And first we will search the element in middle position. If it is found in the middle position, then element found, and we will print the position of the element. And if element is not found in the middle position, then it is found either less than mid or greater than mid, because list is sorted in ascending or descending order. So we first point, we set a variable start to 0 and another variable end to N-1. में से एक वेरिएबल लिया स्टार्ट, उसको जीरो पे रखा, और दूसरा वेरिएबल लिया एंड, जिसको हमने N-1 पे रखा. N-1, N इज द साइज ऑफ द लिस्ट. अब लूप चलेगा, लूप होगा इफ स्टार्ट ग्रेटर देन एंड. मतलब अगर स्टार्ट एंड से बड़ा है तो ये नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो फिर वो एल्गोरिथम ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो बाइनरी सर्च है, वो सिर्फ सॉर्टेड एरेस या लिस्ट पे वर्क करता है. फिर थर्ड स्टेप, कैलकुलेट मिड एज स्टार्ट प्लस एंड बाय 2. अब स्टार्ट 0 है और एंड N-1 है. हमने 0 प्लस N-1/2 किया तो हमें एक मिड वैल्यू मिल गई. उसमें से हम डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देंगे, मतलब ये फ्लोट में नहीं रहेगी, ये वैल्यू इंट में रहेगी. इफ द की एलिमेंट इज इक्वल टू मिड, अगर की एलिमेंट मतलब जो भी हम एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं लिस्ट में, वो अगर मिड के इक्वल है तो फिर सर्च हो गई हमारी, क्योंकि हमें मिड पोजीशन पे एलिमेंट मिल गया और हमने पोजीशन रिटर्न कर दी. लेकिन इफ की एलिमेंट इफ इज ग्रेटर देन मिड, अगर की एलिमेंट ग्रेटर देन मिड है, इसका मतलब हमारा जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो एलिमेंट अगर मिड पोजीशन पे जो वैल्यू है उससे बड़ा है, तो हम स्टार्ट को कहाँ पहुँचा देंगे, मिड प्लस 1 पे. तो हमारा सर्च क्राइटेरिया जस्ट हाफ हो जाएगा और फिर से वो लूप चलेगा. और अगर की एलिमेंट मिड से छोटा है तो फिर हम एंड को मिड माइनस 1 पे पहुंचा देंगे. तो ये, और फिर से लूप चलेगा. ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक हमें एलिमेंट मिल नहीं जाता. तो एक लिस्ट हुई, उसका हाफ किया. हाफ करने के बाद अगर वो एलिमेंट फर्स्ट हाफ में है तो हमने उस फर्स्ट हाफ में ढूंढा, और अगर वो सेकेंड हाफ में है तो सेकेंड हाफ में ढूंढा. अगर वो फर्स्ट हाफ में है तो फर्स्ट हाफ को फिर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने उसका मिडिल पार्ट निकाला. तो ये सर्च चलती रहेगी, और जब तक एलिमेंट मिल जाता है तो पोजीशन रिटर्न कर देगा, और नहीं मिलता है तो फिर इट विल रिटर्न माइनस 1. वी विल डू द प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन बाइनरी सर्च, एंड वी विल रन दिस प्रोग्राम, देन वी विल फाइंड दैट हाउ इट वर्क्स. ओके स्टूडेंट्स, ओके.